हेलो एंड वेलकम गाइज, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। गाइज आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप सभी को अपने टेलीग्राम की फाइल शो नहीं हो रही है अपने फाइल मैनेजर में, तो गाइज आप हमारे इस वीडियो में एंड तक बने रहिए, क्योंकि गाइज हम इस वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं कि आप कैसे अपनी टेलीग्राम फाइल को शो कर सकते हो अपने फाइल मैनेजर में। तो चलिए गाइज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइज आप सभी को अपने प्ले स्टोर को ओपन कर लेना होगा। प्ले स्टोर को ओपन कर लेने के बाद गाइज आप सभी को यहाँ पे सर्च कर लेना होगा टेलीग्राम। टेलीग्राम सर्च कर लेने के बाद गाइज आप अगर आप सभी को अपने टेलीग्राम पे यहाँ पे कोई अपडेट शो हो रहा है तो गाइज आप यहाँ से अपने टेलीग्राम को अपडेट कर लीजिए। अपडेट कर लेने के बाद गाइज आप सभी को अपने मोबाइल की सेटिंग को ओपन कर लेना होगा। मोबाइल की सेटिंग को ओपन कर लेने के बाद गाइज आप सभी को यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना होगा और गाइज आप सभी को यहाँ पे ऐप्स पे क्लिक करना होगा। ऐप्स पे क्लिक करने के बाद गाइज आप सभी को यहाँ पे मैनेज ऐप्स पे क्लिक करना होगा। मैनेज ऐप्स पे क्लिक करने के बाद आप सभी को यहाँ पे सर्च कर लेना होगा टेलीग्राम। अगर गाइज आप सभी को अपने मोबाइल में ये सभी सेटिंग्स देखने को नहीं मिलती तो गाइज आप सभी को सिंपल सा काम करना होगा, अपने टेलीग्राम पे लॉन्ग प्रेस करना होगा और आप सभी को यहाँ पे ऐप इन्फो पे क्लिक करना होगा। गाइज आप लोग सेम पेज पे ओपन हो जाओगे। उसके बाद गाइज आप सभी को यहाँ पे स्टोरेज पे क्लिक करना होगा। स्टोरेज पे क्लिक करने के बाद गाइज आप सभी को नीचे की तरफ क्लियर डाटा पे क्लिक करना होगा। उसके बाद गाइज आप सभी को सबसे पहले इसका क्लियर कैचे करना होगा, तो गाइज आप सभी को यहाँ पे क्लियर कैचे पे क्लिक करना होगा और ओके कर देना होगा। ओके करने के बाद गाइज आप सभी को यहाँ पे मैनेज स्पेस पे क्लिक करना होगा। उसके बाद गाइज आप कुछ इस तरह के पेज पे ओपन हो जाओगे। यहाँ पे गाइज आप सभी को देखने को मिलेगा क्लियर लोकल डाटाबेस, तो गाइज आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा और यहाँ से क्लियर कर देना होगा। क्लियर करने के बाद गाइज आप सभी को यहाँ पे बैक आना होगा और बैक आने के बाद गाइज आप सभी को यहाँ पे ऐप परमिशन पे क्लिक करना होगा और जितनी भी परमिशन है गाइज आप सभी को यहाँ से सभी को अलाउ कर देना होगा। सभी परमिशन को अलाउ करने तक के लिए गाइज आप सभी को थोड़ा वेट कर लेना होगा और जैसा कि आप देख सकते हैं सभी परमिशन अलाउ हो चुकी है। उसके बाद गाइज आप सभी को यहाँ पे बैक आना होगा और बैक आने के बाद गाइज आप सभी को करना क्या होगा, आप सभी को अपने फाइल मैनेजर पे लॉन्ग प्रेस करना होगा और आप सभी को यहाँ पे ऐप इन्फो पे क्लिक करना होगा। उसके बाद गाइज आप सभी को यहाँ पे नीचे की तरफ क्लियर डाटा पे क्लिक करना होगा और गाइज आप सभी को यहाँ पे सबसे पहले इसका क्लियर कैचे करना होगा और ओके कर देना होगा। ओके करने के बाद गाइज आप सभी को यहाँ पे क्लियर ऑल डाटा देखने को मिलेगा और ओके कर देना होगा। ओके करने के बाद गाइज आप सभी को यहाँ पे ऐप परमिशंस पे क्लिक करना होगा और जितनी भी परमिशन है गाइज आप सभी को यहाँ पे सभी को अलाउ कर देना होगा। उसके बाद गाइज आप सभी को एक और काम करना होगा, अपने पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करना होगा और अपने मोबाइल को एक बार रिबूट कर लेना होगा। अगर गाइज आपको अपने मोबाइल में रिबूट देखने को नहीं मिलता तो गाइज आप अपने मोबाइल को पावर ऑफ भी कर सकते हो, उसके बाद गाइज आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर गाइज आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।